नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी की आज की ओपनिंग हमारी हुई है 14,750 के आसपास। आज का हमने हाई लगाया है 14,868 का और जो आज का हमने लो लगाया है निफ्टी में वो हमारा लो था यहाँ 14,574 का। हमने क्लोजिंग जाके 14,780 के आसपास, 90 के आसपास यहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है निफ्टी में। तो निफ्टी में देखिए, कल के सेशन में मैंने निफ्टी में ऑलरेडी यही बताया था आप लोग को कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा वो 14,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट, अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग की पोजिशन आपने बना के रखी है, तो ध्यान रखिएगा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ले आइए 14,600 के आसपास या 600 के ऊपर, 650 भी आप लगा के रख सकते हैं अगर आपके पास पोजिशन निफ्टी में है तो, क्योंकि 14,650 को ब्रेक करने के बाद ही निफ्टी अब नीचे की साइड में मूवमेंट करेगा, क्योंकि 14,650-680 एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, निफ्टी देखिए लास्ट आवर में थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर निफ्टी में बढ़ा है। यहाँ पे 14,870-860 के आसपास से हम नीचे की तरफ आके क्लोजिंग 14,790 के पास हमने यहाँ पे दी है। तो ध्यान रखिएगा, कल के सेशन के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो, अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, जो सुबह आज का जो हाई इसने बनाया था सुबह के सेशन में वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर निफ्टी में गिरावट आनी होगी आज तो कल के सेशन में, तो वो कब आएगी, जब हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं 14,750 को हम जब ब्रेक करेंगे तभी यहाँ पे नीचे की साइड में मूवमेंट बनेगी। तो उसके बाद पहला टारगेट यहाँ पे होगा 14,710 का और दूसरा टारगेट होगा 14,670 का। ये दो टारगेट आपको निफ्टी में मिलेंगे कब, जब हम 14,750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तब। ध्यान रखिएगा, हम इस रेंज के अंदर में ओपन होने के बाद नीचे आते हैं तब। अगर हम गैप डाउन ही ओपन हो गए, मान लीजिए 14,670 या 14,710 पे, फिर आपको वेट करना है। अगर हम इस रेंज में ओपन होते हैं और उसके बाद हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं 14,750 को, तब ये नीचे की साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए ऊपर की साइड में हमें, अब देखिए अगर हमने निफ्टी को इंट्राडे में बाइंग साइड में देखना है कल के सेशन में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 14,823 का। 14,823 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, देखिए निकलने का मतलब ये हो गया कि अगर हम 14,823 से नीचे ही ओपन होते हैं और उसके बाद इस लेवल को निकालते हैं तब इस लेवल की इंपॉर्टेंट है। अगर ये 14,850 पे ही ओपन होगा तब इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 14,823 पे अगर मान लीजिए हम नीचे की तरफ ओपन होते हैं और इसको क्रॉस करते हैं, तो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 14,860 का और दूसरा टारगेट होगा हमारा 920 का। ये दो टारगेट होंगे हमारे ऊपर की साइड में। इस कंडीशन में जो आपको एसएल लगाना पड़ेगा वो होगा यहाँ पे 14,785 का, आपको एसएल लगा के रखना पड़ेगा निफ्टी में। तो ये हो गया निफ्टी। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करते हैं। पहले अभी हमने डेली चार्ट यहाँ पे लगा लिया है, तो पहला स्टॉक है हमारा अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट देखिए अपने पिछले रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच चुका है, तो इस बात पे थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा। अगर कल यहाँ पे कोई प्रेशर, सेलिंग प्रेशर हावी होता है तो अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे थोड़ा सा निकल जाइएगा। एशियन पेंट जैसा कि मैंने बोला है कि जब तक ये 2550 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। बजाज ऑटो धीरे धीरे कंसॉलिडेट कर रहा है, मेरे ख्याल से अगर 2-4 दिन और कंसॉलिडेट कर दे और कंसॉलिडेट के बाद ये इस लेवल को निकालता है 4,350 के लेवल को, तो यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। बजाज फिनसर कुछ नहीं करना है, वेट करना है। बजाज फाइनेंस अब बाइंग तभी करेंगे जब 5400 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। भारतीय एयरटेल ये एक रेजिस्टेंस है, 610-612 एक रेजिस्टेंस है, 610 के ऊपर क्लोज करें तो इसे लेके जाइए 640 के टारगेट के लिए। बीपीसीएल धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही निकल रहा है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो 430 के आसपास मिलेगा। ब्रिटानिया कुछ नहीं करना है, सिप्ला में भी कुछ नहीं करना है, वेट करना है सिप्ला में। अगला स्टॉक जो हमारा है वो है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में यहाँ पे देखिए आज एक अच्छी खासी मूवमेंट हुई, कंसोलिडेट के बाद में जो 130 का पहले सपोर्ट था उसको इसने ब्रेक करके आज ऊपर की तरफ निकला है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो अगला रेजिस्टेंस है वो 150 के आसपास यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। डिवीज लैब में भी आज अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, तो डिवीज लैब में देखते हैं 3700 के पास में पहुंच चुका है डिवीज लैब। तो जिसके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल यहाँ पे कीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी जबरदस्त मूवमेंट आज यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में हुई। कल ही मैंने बताया था कि मेरे पास बड़ी क्वांटिटी डॉक्टर रेड्डी की है, लेकिन वो 5-6 साल का मेरा व्यू है, तो आज इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट जरूर देखने को मिली है। मेरे पास नीचे की प्राइस पे है वो। आइसर मोटर यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। गेल में भी मेरा व्यू अभी कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा गेल अगर 133 के ऊपर निकलेगा तो 130 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसके बाइंग पोजीशन बना सकते हैं 140 के टारगेट के लिए। ग्रासिम कंटिन्यू बहुत अच्छी मूवमेंट कर रहा है, तो कल के सेशन में एक जबरदस्त मूवमेंट आपको फिर से देखने को मिलेगी जब ये 1210 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब। SCL टेक्नोलॉजी कुछ नहीं करना है। HDFC वेट एंड वॉच यहाँ पे रखिए। HDFC लाइफ में भी वही काम है। हीरो मोटो में वेट करेंगे। हिंडाल को कल के सेशन में मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा
ऑलरेडी मैंने सपोर्ट ग्रुप में चार्ट भी पोस्ट किया था, जो प्रीमियम ग्रुप है हमारा वहाँ पे मैंने पोस्ट किया था। 260 का पहला टारगेट मैंने दिया था, 263 का सेकंड टारगेट यहाँ पे दिया हुआ था। एचयूएल में कुछ नहीं करना है, एचयूएल तब करेंगे जब अब ये 2320 के ऊपर निकालेगा, उसके बाद इन्फी वेट एंड वॉच करना है। आईयूसी जैसा कि मैंने बोला था कि अगर ये 100 के ऊपर निकल 99 के ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट इस पर 100.01 का इंट्राडे में मिल जाएगा, तो वो ऑलरेडी वो टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। आईटीसी यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच चुका है तो वेट करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील मेरा कोई व्यू नहीं है। एलएनटी ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट कर चुका है। M&M कंसोलिडेट कर रहा है अभी। मारुति में भी कुछ नहीं करना है, नेस्ले वेट कीजिए। NTPC 96 जिसे मैंने बताया था कल के सत्र में कि 96 के ऊपर अगर किसी को लेना है तो ले लीजिएगा, स्टॉप लॉस जरूर 92-94-3 का फॉलो कीजिए। यहाँ पे ONGC वेट एंड वॉच कीजिए। ओहो, पावर ग्रिड में क्या ज़बरदस्त मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट को तो हम कैप्चर ही नहीं कर सकते, ये तो सोचा भी नहीं इतनी बड़ी मूवमेंट करेगा। चलिए कोई बात नहीं। रिलायंस में भी कुछ खास मूवमेंट अभी नहीं हो रही। रिलायंस में अगली मूवमेंट ये रेजिस्टेंस, जो ट्रेंड लाइन है, जो पिछला रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है वापस। SBI लाइफ कुछ नहीं करना है। श्री सीमेंट में कल की जबरदस्त मूवमेंट के बाद आज थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। दोस्तों अगर आप भी फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक के जरिए जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमारी फ्री जो ट्रेनिंग है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें बस आपको थोड़ा सा एक्टिव ट्रेडिंग करनी पड़ेगी और अकाउंट ओपन होने के साथ ही आप हमारे फ्री लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। तो सपोर्ट ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो अकाउंट ओपन होने के बाद अकाउंट ओपनिंग का स्क्रीनशॉट, अपना फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगला स्टॉक है हमारा सन फार्मा, यहाँ पे भी मेरा कोई व्यू नहीं था। टाटा मोटर ऑलरेडी बहुत अच्छी मूवमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी मूवमेंट हो चुकी है, तो अगर किसी को कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट जरूर थोड़े थोड़े बुक करते रहिए, नहीं तो अगर व्यू आपका 3-4 साल का है तो बिल्कुल बने रहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील कुछ नहीं करना है अभी। TCS में भी मेरा कोई व्यू नहीं है। टेक महिंद्रा भी वेट करूंगा। टाइटन में ट्रेड बनेगा, टाइटन में कब, जब 1550 के ऊपर निकलेगा तब। अल्ट्राटेक वेट एंड वॉच। UPL में कल मैंने बोला था कि अगर हाई के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट मिलेगी यहाँ पे, तो ऑलरेडी एक मूवमेंट बहुत अच्छी यहाँ पे मिल चुकी है। विप्रो में कुछ नहीं करूँगा और जील ऑलरेडी मेरे पास पोजीशन अभी भी है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस मेरा क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी हुआ नहीं है, तो स्टॉप लॉस मैंने 37 के आसपास का लगा के रखा हुआ है, तो 37 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग पे तो मैं निकल जाऊँगा, या फिर कल के सेशन में अगर 50 के आसपास जाएगा और ऊपर नहीं क्लोज करता है तो कल भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।